हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रोफेसर विकास सिंह। फाइनल ईयर एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है गाइस। हमारे जो हायर एजुकेशनल मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उदय सामंत जी, उन्होंने एवीपी माझा पे लाइव पूरा डिटेल बताया फाइनल ईयर एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो हम लोग 2 मिनट एकदम अच्छे से ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा। 2 मिनट में पूरी मैं आपको पूरी समरी बता देता हूँ जे फाइनल एग्ज़ाम्स के बारे में, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है उदय सामंत जी, वो एबीपी माझा पे लाइव आए थे। उन्होंने पूरा डिटेल में हर चीज़ को बताया है। मैं आपको वो चीज़ एक चलिए फ्रेंड्स, तो उसकी समरी मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने क्लियर कट बोला जो भी एग्ज़ाम्स होगी वो हार्डली 1 आवर्स की होंगे, सिर्फ 1 आवर्स के होंगे। ठीक है, और 50 मार्क्स के जो मतलब एग्ज़ाम्स होंगे वो बेसिकली वाइवा होंगे। ठीक है, 50 मार्क का इंटरनल्स होंगे, मतलब वाइवा होंगे, कुछ प्रोजेक्ट या वाइवा ऐसे जस्ट नाम के लिए होगा। और 50 मार्क का गाइस एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको 60 क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से आपको 50 क्वेश्चन अटेंड करने पड़ेंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, मतलब आउट ऑफ 60 वी हैव टू अटेंड 50 क्वेश्चंस। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, उसके लिए आपको 1 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, और मैं आपको क्लियर कट बता दूँ, जो बेसिकली ये जो एग्ज़ाम से रिलेटेड टाइम टेबल है 7 सितंबर ऑनवर्ड आ जाएगा। ठीक है, और जो रिटर्न एग्ज़ाम है जो एमसीक्यू का, वो कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल से भी घर बैठे बच्चे दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, तो उसके लिए MKCL एक सेंटर है, वहाँ पे आपको एग्ज़ाम जाके देना पड़ेगा, जो हर एक एरिया में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम और डिटेल में बात करते गए ज़्यादा। उदय सामंत जी ने एवीपी माझा में क्लियर कट बोला जो वाइवा एग्ज़ाम्स होगा बेसिकली, राइट, वाइवा एग्ज़ाम्स वो 15 सितंबर से चालू होंगे। 15 सितंबर से 30 सितंबर के अंदर कराना है वाइवा। ठीक है, और बेसिकली एंड उन्होंने बोला जो रिटन एग्ज़ाम्स है बेसिकली एमसीक्यू का, वो 1 अक्टूबर से लेकर 1 अक्टूबर से चालू हो जाएंगे। ठीक है, और 31 अक्टूबर के आसपास रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। ठीक है, मतलब 1 से लेकर 31 अक्टूबर के अंदर आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट भी हो जाएगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम भी हो जाएंगे एमसीक्यू के। ठीक है, और उसके रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। तो उन्होंने क्लियर कट सब चीज़ों के बारे में डिटेल एबीपी माझा पे सब कुछ बोला है। ठीक है, तो हम वेट करेंगे गाइस 7 सितंबर को टाइम टेबल आ जाएगा। ठीक है, एकदम क्लियर कट उसके जीआर आ जाएंगे, टाइम टेबल आ जाएगा, तो आपको प्रॉपर आइडिया आ जाएगा एग्ज़ाम्स कब होंगे, कितने बजे होगा। ठीक है, सब कुछ आपको प्रॉपर रिटर्न फॉर्म में आ जाएगा 7 सितंबर को। उन्होंने बोला है मंडे और ट्यूसडे 7 सितंबर के आसपास ऐसा बोला है। ठीक है, तो वेरी क्लियर है, 2 मेन पॉइंट है। एक तो आपके 50 मार्क्स की वाइवा एग्ज़ाम्स होंगे जो 15 सितंबर से चालू होंगे, 30 सितंबर तक होंगे, और 1 अक्टूबर से आपके रिटन ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होंगे, जो एग्ज़ाम में 60 MCQ पूछा जाएगा, उसमें से 50 MCQ अटेंड करना होगा। हर एक MCQ 1 मार्क का होगा और मैक्सिमम 1 आवर्स का होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ गई होगी गाइस। ठीक है, आई होप, अगर कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो गाइस, कुछ भी डाउट है यू कैन आस्क मी। ठीक है, कमेंट में आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो मैं स्टॉप करता हूँ, बाय फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब।